हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। इट इज़ SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम कॉन्टिन्यू विद एक्सरसाइज 3.1 विद क्वेश्चन सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द प्रोडक्ट। कल लास्ट में भी क्लियर कर चुके थे, लेकिन आई रिपीट। ओके, फिर से थोड़ा देखिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैंने क्या थोड़ा कल जल्दी बता गए थे, कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स को ना समझ में आया हो। ओके, सो थ्री डेसिमल्स डिजिट्स के अगर हमें मल्टीप्लिकेशंस कराने हैं तो टू टू करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दो को सॉल्व कर लें, किसी भी टू को ले लें, इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने इन दोनों को चूज़ किया है, आप किसी अदर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 1.3, ओके। अब इस दोनों पॉइंट्स को हमें माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। ये हमारा 0.2 मीन्स 2 है और ये हमारा 13 है। ओके, अभी पॉइंट नहीं है हमारे लिए कुछ भी, पॉइंट हटा दो तो ये 2 है और ये 13 है, ठीक है। 2 का 13 से मल्टीप्लाई होगा, 26 आंसर होगा, 26। अब पॉइंट काउंट करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट में भी बैक साइड से 1 है और ये सेकंड डिजिट में भी बैक साइड से 1 है। टोटल अगर काउंट किए जाएं तो 1 इधर और 1 इधर, टोटल 2 डिजिट्स हो गई, 1 एंड 2 डिजिट्स, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है उसमें भी लास्ट से 2 डिजिट काउंट की जाएंगी, 1 एंड 2। और लास्ट मतलब यहाँ से ही तो लास्ट होगा यार, इधर से थोड़ी नहीं, ये तो फर्स्ट हो गया, लास्ट हमारी यहीं से तो होगी काउंटिंग। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के पहले, लास्ट से 2 डिजिट पहले। ओके, तो आंसर हुआ 0.26। अब जो आंसर है, कौन सा टर्म्स बचा था, 2.3। तो अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2.3 का। ओके, फिर वही बात हम कहेंगे कि पॉइंट अभी अपने दिमाग से रिमूव करिए, ठीक है। ये पॉइंट रिमूव कर देंगे तो ये 0.26 हो जाएगा, मतलब 0.26 मीन्स 26। एंड अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 23। ओके, तो अगर मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो जैसे नॉर्मली बैक साइड से करते थे, पहले 3 का 26 से होगा, फिर 2 का 26 से होगा, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 और एंड 1 7। लास्ट में क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई साइन, सेम मल्टीप्लाई साइन लगाया, फिर 2 का 6 से मल्टीप्लाई कराया, 2 का 26 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सबसे पहले किससे होगा, 6 से, 2 6 12 एंड 1, 2 2 4 एंड 1 5 अपॉन, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 5। सो फुल आंसर इज 598। अब टोटल डिजिट्स काउंट करनी है डेसिमल की, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ से और 2 डिजिट्स यहाँ से, टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 3। ओके, तो बैक साइड से 3 डिजिट्स काउंट, तो आप भी काउंट करिए, 1 2 एंड 3। तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा और उसके पहले थोड़ा जीरो लगा लें, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 0.598। ओके, सो सेकेंड नंबर देख लेते हैं, इसका थोड़ा लेंथी है। दिख रहा है ना, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 0.12 इंटू 1.2 इंटू 0.012। ओके, तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे 2 डिजिट्स। ओके, दिस इज 0.12 एंड दिस इज 1.2। ओके, सो अभी पॉइंट फिर अपने माइंड से हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0.12 मीन्स 12 एंड यहाँ से पॉइंट माइंड से हटाएंगे तो ये भी 12 का 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे नॉर्मली अभी पीछे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि जैसे बैक साइड से कंप्लीट करते हैं, वैसे ही बैक साइड से यहाँ भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 2 4 नो डिजिट्स कैरी ऑन। ओके, 2 1 2 लास्ट में क्रॉस का साइन लगता है लास्ट वाली डिजिट के नीचे, तो वैसे ही मैंने लगाया,
वन टूज़ आर टू एंड वन वनज आ वन का ऐड कर देंगे तो फोर वनज आ फोर, टू टू फोर एंड वन, टोटल आंसर इज़ 144। डिजिट्स काउंट करिए अब, वन एंड टू इधर, ठीक है, वन डिजिट इधर और टू डिजिट इधर, टोटल डिजिट थ्री, तो वन टू एंड थ्री, यहाँ पे आ गया पॉइंट, सो आंसर इज 0.144 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.012, ठीक है। अभी इसका तो मल्टीप्लिकेशन बाकी है ना, तो जो आंसर आएगा उसको उसके साथ 0.012 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, फिर वही बात आती है कि जब इसको हम पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे अपने माइंड से, तो ये हो जाएगा 144 एंड ये हो जाएगा 12, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, अगर पॉइंट रिमूव कर देंगे तो ऐसा ही तो होगा ना, तो 0012 क्या रीड किया जाएगा, 00 क्या शुरुआत में कोई वैल्यू थी, 12 ही तो रीड करेंगे, ठीक है। तो 12 का जैसे 144 से मल्टीप्लाई करा दे, सेम एज वही प्रोसेस रहेगा, लास्ट से वन डिजिट एंड 144 मल्टीप्लाई, 2 4 8 2 4 8 and 2 1 2, मल्टीप्लिकेशंस 1 4 4 1 4 4 and 1 1 1, ओके, एंड जीरो का मल्टीप्लाई कराने कोई जरूरत ही नहीं, 0 0 नोट करने की क्या जरूरत है, ओके। सो दिस इज 8 8 + 4 12, 1 कैरी, 1 + 2 3 3 + 4 7 एंड हियर इज नो कैरी सो 1, ओके। टोटल पॉइंट्स काउंट कर लें, 1 2 3 1 2 3, टोटल डिजिट 6, ओके। सो थोड़ा आंसर इधर मैंने नोट कर लिया है, थोड़ा इधर नोट कर लेते हैं क्योंकि जीरो भी हमें लगाने होंगे, 1 7 2 8, ठीक है। काउंट करें डिजिट, 6 डिजिट्स के पहले लगना है, ठीक है, 1 2 3 4, अभी देखिए पूरी डिजिट्स नहीं हो रही, तो अब जीरो हमको हेल्प के लिए लेना होगा, 5 and 6, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के पहले जीरो लगा दें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.001728, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा हमारा आंसर क्या आया है, 1728, ठीक है। अगर इसके पहले 000 कुछ लगा दें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ जाएगा क्या डिजिट में भाई, इसके पहले अगर 2 0 हम लगा देंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ जाएगा क्या, एक और 0 लगा देंगे कोई इफेक्ट पड़ जाएगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब भी तो वही रीड होगा। तो अब हम काउंट करेंगे डिजिट, 1 2 3 1 2 3, टोटल 6 डिजिट्स का बैक साइड से पॉइंट पुट होना है, ठीक है। सो 1 2 3 4, अब देखिए 0 की हेल्प आ गई, 2 0s लगेंगे, 5 and 6 एंड पुट द डेसिमल हियर, ओके। सो आंसर इज दिस, ओके, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ओके। कोई बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस तो है नहीं ऐसा मेरे हिसाब से। वन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, थोड़ी टफ है तो इसलिए टाइम ले रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा मत सोचना, थोड़ा धीमे धीमे स्टार्टिंग चलेगी लेकिन ठीक है, बैलेंस हो जाए होता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है, जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो और समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज 4th, कन्फ्यूज़न होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, वैसे तो कुछ जो माइंडेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, और मेरे हिसाब से मेरी क्लास में सभी माइंडेड हैं, ओके। सो फर्स्टली वी विल चूज़ 1.1 and 1.11, ओके, दिस इज 11 एंड दिस इज 111, सो मल्टीप्लाई बाई बैक 1 to 11, सो आंसर इज 11, फिर क्रॉस ऑन, फिर अगेन 11, फिर डबल क्रॉस अगेन 11, सो आंसर इज 1221, ओके। पुट द डेसिमल 1 2 and 3, तो 1 2 and 3 एंड नोट द 11.1। फिर अपने थोड़ी देर से क्या करेंगे, पॉइंट्स को अपने माइंड से रिमूव करा देंगे, जैसे ही रिमूव कराएंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा 1 2 2 1 एंड ये हो जाएगा 1 1 1, तो जैसे मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है सेम ऐसे वैसे कराएंगे, लास्ट का 1 लेंगे और इस डिजिट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 2 2 1 ही होगा, 1 का तो मल्टीप्लाई सेम रहता है ना, फिर लास्ट वाली डिजिट के नीचे क्रॉस, फिर सेकेंड वाले 1 का कराएंगे इस डिजिट में फिर वही आ जाएगा 1 2 2 1, फिर डबल क्रॉस आएंगे फिर 1 का कराएंगे तो फिर वही डिजिट आ जाएगी 1 2 2 एंड लास्ट में 1। थोड़ा इधर हो गया साथ ज़्यादा क्वेश्चंस, बट
मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ऐसे मैं कर लेता हूँ, जूम करके देख लीजिए, ठीक है। 1, 2+1, 3, 2 to 4, 1, 5 एंड 2 to 4, 1, 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, काउंट द डेसिमल, 1 here and 3 here, टोटल 4, 1, 2, 3, 4, सो आंसर इज 13.5531, ओके। सो कुछ आपको होमवर्क्स हैं आपके लिए 3 questions का, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5.55 × 0.55 × 0.055, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.3 × 3.03 × 2.1 एंड लास्ट थर्ड वन क्वेश्चन इज 0.6 × 0.06 × 0.006, ओके। ये 3 questions आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और इसके आंसर्स हमें सेंड करने हैं, ओके। बाय, टेक केयर।